हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज का मेरा ये गेटअप आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पता है, पिछले व्लॉग में ना जो मैंने शॉपिंग का दिखाया था, तो उसमें मैं बताना भूल गई थी कि मैंने ना ऐसा एक ड्रेस अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भी लिया है। और ये मैंने एक क्रिसमस हैट लिया है, टोपी ली है। सो प्रीवियसली तो हम इतना कुछ करते नहीं थे, लेकिन अब मेरी बेटी, पता है, शी यूज्ड टू गो टू स्कूल, सो शी गेट्स सो एक्साइटेड फॉर क्रिसमस। सो मुझे कहती है, मामा यू ऑल्सो पार्टिसिपेट विथ मी। सो इसलिए मैंने उसके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए ये लिया है। और मैंने सोचा कि चलो अब मौका है तो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद क्रिसमस बहुत अच्छा लगता है। सो आई गेट सुपर एक्साइटेड, सो इट्स गुड, मैं अपनी बेटी के साथ वो सारे मोमेंट्स दोबारा से चेरिश कर सकती हूँ। और वैसे भी I studied in a missionary school, तो वो सब तो मेरा है कि when we were kids, we used to do Christmas, we used to decorate Christmas trees, we used to sing carols, और बहुत सारा pudding और Christmas cake खाते थे। तो आज तो फिलहाल मैं Christmas cake की recipe लेके नहीं आई हूँ, वो मैं किसी और दिन बताऊँगी। आज मैंने ना सोचा है मैं आप लोगों को एक simple marble cake की recipe बताऊँगी, क्योंकि December का month आ गया है तो इतना ठंड होता है ना, तो हमेशा लगता है कि कुछ चाय या कॉफ़ी पिए, और तो उसके साथ ना इस तरह के जो केक होते हैं, टी टाइम केक्स, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मैं बनाती हूँ अपने लिए। सो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ ये। तो मार्बल केक इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू केक्स, एनी टू फ्लेवर यू कैन टेक। आई एम कीपिंग इट सिंपल, एंड मुझे जो पसंद है, मुझे वेनिला और चॉकलेट दोनों ही पसंद है। आई एम गोइंग टू क्लब इट, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल विद वेनिला एंड चॉकलेट। So let me run you through the ingredients what I have today. So in this bowl I just put a sieve, and I have 1 cup plus half cup all-purpose flour. I have 1 cup plus half cup all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, and 1/2 teaspoon salt. So ये तो मेरे dry ingredients हो गए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने I have 1 cup plus 1/2 cup of granulated sugar. So again, अगर आपके पास icing sugar है तो ठीक है, वरना मैंने तो उसको पीस लिया है अपने mixer grinder में। तो जितना मैंने यहाँ पे, आपने देखा होगा, जितना मैंने यहाँ पे all purpose flour मैदा रखा है, 1 plus 1/2 cup, उतना ही sugar रखा है। तो ये ज़्यादा मीठा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग कोको पाउडर डालेंगे, और कोको पाउडर बहुत कड़वा होता है। सो चीनी जो है, जो एक्स्ट्रा शुगर है, वो इसके कड़वाहट को बैलेंस कर देगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा वेनिला एसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाहिए होगा हमें 1 stick ऑफ बटर, विच इज 113 grams, और हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 4 large eggs। अच्छा, इसके अलावा हमें, मैंने यहाँ पे देखिए, आई हैव सम मिल्क, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी ऑलरेडी, इसमें आई हैव सम मिल्क इन दिस। सो जैसे मैं केक को बनाती चलूंगी ना, वैसे मैं आपको बताती चलूंगी। फिलहाल मैंने 1/2 cup मिल्क रखा है, बट इट डिपेंड्स कि मुझे कम भी लग सकता है, मुझे ज़्यादा भी लग सकता है, तो मैं उस हिसाब से बताती चलूँगी। और यहाँ पे मैंने एक अपना 9 inch का लोफ पैन, देखिए इसको मैंने पार्चमेंट पेपर से रेडी कर रखा है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास पार्चमेंट में पेपर नहीं है तो नो वरीज, यू ग्रीस योर लोफ पैन विद बटर, और उसके ऊपर आप ऑल पर्पज फ्लावर डस्ट कर लीजिए, आपका रेडी हो जाएगा। मेरे पास पार्चमेंट पेपर है इसलिए मैं, और ये इजी भी होता है, यू नो मैंने दिखाया भी होगा, जब केक बन जाता है ना तो इसके दोनों साइड से आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, तो ये इजी भी हो जाता है। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ पार्चमेंट, सी इट इज़ लाइक पार्चमेंट पेपर। तो ये आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, आजकल तो देख मॉल में भी मिल जाता है, तो इट्स ईजी अगर आप बेकिंग करते हैं। एंड अगेन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1 cup एंड 1/2 cup, तो मैं ना आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मेजरिंग कप्स, सो प्लीज़ ये ले लीजिएगा, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। पता है, अगर आप बेकिंग करते हैं या बेकिंग का शौक है, तो ये बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम, मतलब मेरा तो ये 6 साल से चल रहा है, तो अगर आपको पसंद है तो आप ये करी, आप ये इस पर इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो चलिए मैं लेट्स स्टार्ट बेकिंग। सो इस बॉल में मैंने 113 grams ऑफ बटर लिया है, तो मैं इसको जस्ट हल्का सा थोड़ा सा विस्क कर लूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी मेरा 1 cup, इसमें डालूंगी मैं अपना 1 cup एंड 1/2 cup ग्रैनुलेटेड शुगर। सो आई एम गोइंग टू ऐड माई शुगर इन टू दिस।
And at this time only, I will add a dash of vanilla essence. अब मैं इन सबको whisk करूंगी. After whisking for some time, it will look something like this. The texture will be bit creamy. और ये होता है कि जब हमारा sugar and the butter is nicely incorporated. अब मैं इसमें one by one I'm going to add my eggs. So just one egg. इसको तब तक चलाना है जब तक फर्स्ट एग अच्छे से इनकॉर्पोरेट ना हो जाए. अब मैं अपना दूसरा एग डालूंगी. Total, I have added 4 eggs and I have nicely whisked it. ये देखिए, like this it will be. आपका mixture कुछ ऐसा हो जाएगा. So अब I'm going to add the dry ingredients into the wet ingredient. So my wet ingredient is ready. अब मैं show you. First of all, I'm going to sieve my dry ingredient. So I'm just going to sieve it up. अब पता है मैं अपने dry में wet ingredient डालूँ. एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके. Cut and fold method से. Take my cocoa powder also. अब मैं इसको कट एंड फोल्ड मेथड से बहुत ही जेंटल हाथ से मिक्स करती चलूंगी. इस स्टेज में आई ऐड लिटिल मिल्क. सी हाउ नाइसली एंड जेंटली आई एम मिक्सिंग इट. द रेस्ट ऑफ द ऑल पर्पस फ्लोर. And I'll add milk. Bit more. Scrape from the sides, बहुत ही gently,
नीचे से सब लेके थोड़ा सा और बैटर ना ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लूजन अप भी नहीं होना चाहिए. तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी मुझे टोटल कितना लगा है. ये देखिए मेरा पूरा मुझे पूरा हाफ कप ही मिल्क लगा एंड माई बैटर इज नाइसली मिक्स्ड. सो नाउ द फन पार्ट जो इसका है, देखिए हाफ ऑफ द बैटर इज वेनिला और मैं अब इसमें हाफ ऑफ द बैटर आई ट्रांसफर इनटू हाफ ऑफ द बैटर जैसे जितना मुझे चाहिए होगा. सो आई एम ट्रांसफरिंग लाइक एक कप. सो देखिए थोड़ा हाफ मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है और आई एम नॉट गोइंग टू शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ. सो करीबन हाफ प्रोपोर्शन मैंने यहाँ पे वेनिला बैटर ले लिया है. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर. ठीक है, मैं ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देती हूँ. आप चाहें तो और भी कर सकते हैं जितना ज़्यादा चॉकलेटी बनाना है. मुझे कुछ ज़्यादा चॉकलेटी भी पसंद नहीं है. मैं थोड़ा सा इसमें अब दूध डालूंगी. ठीक है, और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी जस्ट जेंटल हाथों से. गाइस इतनी खुशबू, इतनी अच्छी चॉकलेट की खुशबू आ रही है ना. जस्ट ये देखिए कितनी ईजिली अच्छे से मिक्स हो गया. सो माय चॉकलेट बैटर इज रेडी एंड माय वेनिला बैटर इज रेडी. सो अब मैं इसको असेंबल करूंगी. ठीक है, मैं जस्ट शो यू, दिस इज माय लोफ टिन, दिस इज रेडी. और मैं इसमें से तो सबसे पहले जैसे मैं एक कॉर्नर में मैंने वेनिला बैटर डाला, फिर अगेन इस कॉर्नर में भी वेनिला बैटर डाला, अगेन दिस कॉर्नर मैंने वेनिला डाला. ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉर्नर में मैंने साइड में जो गैप थे ना वहां में ये चॉकलेट डाल दूंगी. ओके, तो छोटे छोटे जो गैप्स थे. अगेन वेनिला. इस बार जो बाकी का चॉकलेट बचा है ये मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगी. अब आई एम गोइंग टू शो यू अ ट्रिक. कोई भी फॉर्क है इस तरह का स्पून ले लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टैप पर, उसके बाद देखिए ऐसे करके जस्ट मेक सम स्विल्स. ठीक है, इससे बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है एंड इट्स डन. नाउ आई एम गोइंग टू बेक दिस केक इन अवन फॉर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 40 to 45 minutes एंड देन वील शो यू. Hey guys, now I'm going to show you that my cake is out of the oven. I'm taking it out. So, my cake is out of oven. Show you.
सो गाइज एज यू कैन सी माई केक इज़ आउट ऑफ ओवन और ये भी इतना गर्म है. आई एम गोइंग टू स्लाइस वन पीस एंड आई एम गोइंग टू शो यू. ऑलरेडी ना मैं स्लाइस कर ही रही थी. इट्स टू हॉट. See how moist it is. So I was showing you, see how moist it is. Let me give it a try. It's so nice. ये देखिए कितनी मॉइस्ट है. और ये जालियाँ जो बन रही है ना, दीज आर द इंडिकेशंस कि ये केक कितना मॉइस्ट बना है. गाइस केक जो है ना उसके दो सिंबल होते हैं अच्छा बना है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड से थ्री, तो मॉइस्ट होना चाहिए. एज यू कैन सी इट्स सो मॉइस्ट. सी इतना मॉइस्ट है ये. सेकेंड इफ टूथपिक इंसर्टेड इन द सेंटर, जो मैंने पहले भी दिखाती हूँ. If it comes out clean, that means it's done. और जो third factor है वो ये है कि अभी मेरा पूरा घर is smelling like a bakery. So I would recommend you कि please आप इसको बनाइएगा. ये मेरा favorite है क्योंकि मुझे chocolate, vanilla दोनों ही बहुत पसंद है. सो गाइज आई वुड रिकमेंड यू प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. देखिए मैं भी एक केक का स्लाइस लेके एंड आई एम इन्जॉइंग इट विद अ कप ऑफ कॉफ़ी. और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ. सो थैंक यू एंड स्प्रेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.